गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फिजियोलॉजी में आज हम बात करेंगे उन फैक्टर्स की जो डिटरमाइन करते हैं एंड्यूरेंस को और जो डिटरमाइन करते हैं हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को। तो देखो, एंड्यूरेंस डिटरमाइन करने वाले फिजियोलॉजिकल फैक्टर समझने से पहले हम एंड्यूरेंस का मीनिंग समझ लेते हैं। एंड्यूरेंस स्ट्रेंथ की ही तरह है, जिस तरह हम स्ट्रेंथ में अपनी ताकत देखते हैं, तो एंड्यूरेंस में अगर हम उस स्ट्रेंथ को रेगुलर बनाकर रखें, ठीक है, अपनी उसी ताकत को पूरी एक प्रोसेस, पूरी एक रिएक्शन के दौरान बनाकर रखते हैं, तो उसे हम एंड्यूरेंस कहते हैं। ओके, तो एंड्यूरेंस डिटरमाइन करने वाले फैक्टर हैं, सबसे पहला फैक्टर होगा हमारा एरोबिक कैपेसिटी। अब एरोबिक कैपेसिटी कैसे मेजर करोगे, नाम इंडिकेट कर रहा है, एरोबिक कैपेसिटी यानी एयर को लेने की या एयर को बाहर निकालने की जो कैपेसिटी है उसे हम एरोबिक कैपेसिटी नाम दे रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले एरोबिक कैपेसिटी में हम बात कर दें ऑक्सीजन इनटेक की। ऑक्सीजन इनटेक यानी लंग्स के थ्रू एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को लेना, ठीक है। आपके लंग्स कितने पावरफुल हैं, कितना तेज़ी से वो कितनी कैपेसिटी में वो ऑक्सीजन को लेते हैं और कितनी कैपेसिटी में वो कितना वॉल्यूम उनका ऑक्सीजन के थ्रू उनका फिल होता है, ठीक है। तो उस लंग्स की कैपेसिटी यहाँ देखी जाती है जब ऑक्सीजन इनटेक करता है। फिर उसके बाद है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। अब ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, लंग्स के थ्रू ऑक्सीजन कहाँ ट्रांसफ़र होगी, ऑब्वियसली ब्लड में ट्रांसफ़र होगी, ओके। और ब्लड प्योरीफाई होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। तो लंग्स के थ्रू जितनी भी ऑक्सीजन लंग्स ने एटमॉस्फेयर से ली है, अब उसे ट्रांसपोर्ट करने का टाइम हो रहा है। तो पूरी की पूरी ऑक्सीजन जब लंग्स हमारे ट्रांसफ़र करते हैं ब्लड में, तो वहाँ हम देखते हैं ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी। फिर हम बात करते हैं ऑक्सीजन अपटेक की। तो ऑक्सीजन अपटेक है कि जो भी हमारी वर्किंग मसल्स हैं, अब वो उस ब्लड में से उस ट्रांसपोर्टेड ऑक्सीजन को लेंगी, अच्छे से वर्क करेंगी, ओके। तो इस कैपेसिटी को हम ऑक्सीजन अपटेक नाम देते हैं, क्लियर होती है चीज़। फिर फोर्थ है एनर्जी रिजर्व। एनर्जी रिजर्व यानी अब जो एनर्जी हमारे पास है, मसल्स उसको रिजर्व करके रखें, ग्लूकोज के फॉर्म में या जैसे भी उसे रिजर्व करके रख रही हैं। तो ये कैपेसिटी, ये जो चारों कैरेक्टर्स हैं, जैसे ऑक्सीजन अपटेक या ऑक्सीजन ट्रांसफ़र, ऑक्सीजन इनटेक, एनर्जी रिजर्व, इन्हें ही हम नाम देते हैं एरोबिक कैपेसिटी। ये चारों कैरेक्टर मिलकर हमारी एरोबिक कैपेसिटी को डिटरमाइन करते हैं, ओके। उसके बाद सेकंड फैक्टर आता है हमारा लैक्टिक एसिड टॉलरेंस। लैक्टिक एसिड जानते हो आप, मसल्स में स्टोर रहता है, कब बनता है, जब हमारा जो ग्लूकोज स्टोर ग्लूकोज है हमारे बॉडी में वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में टूटता है, तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। तो उस लैक्टिक एसिड को टॉलरेट करने की कैपेसिटी हमारी मसल्स में हो, ठीक है, तो उसे हम लैक्टिक एसिड टॉलरेंस कहते हैं। उसके अलावा मूवमेंट इकोनॉमी। मूवमेंट इकोनॉमी यानी जो एनर्जी रिजर्व हुई है आपके पास, आप उसे वेस्ट ना करो, इतनी इकोनॉमिकली मूव करो कि वो आपकी एनर्जी वेस्ट ना हो, ठीक है, तो उसे मूवमेंट इकोनॉमी कहते हैं। इससे हमारा एंड्यूरेंस जो है वो डिटरमाइन होता है। उसके बाद फोर्थ है मसल्स कंपोजिशन। पहले भी हम देख कर आए मसल का कंपोजिशन, फास्ट ट्विच फाइबर, स्लो ट्विच फाइबर, ओके, इनकी वजह से हमारी एंड्यूरेंस डिटरमाइन होती है। अब है दूसरे तरह के फैक्टर जो डिटरमाइन करते हैं हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को, ओके। ऑब्वियसली बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी कैसे डिटरमाइन होगी, आपकी मसल्स की स्ट्रेंथ है, मसल्स में स्ट्रेंथ है तो वो फ्लेक्सिबल बनाएंगी बॉडी को। उसके अलावा जॉइंट की स्ट्रक्चर आपकी, फिर होता है एज और जेंडर। एज और जेंडर भी अफेक्ट करता है हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को। और स्ट्रेचेबिलिटी ऑफ मसल्स, आपकी मसल्स में स्ट्रेचेबिलिटी है, स्ट्रेच होने की कैपेसिटी है, तो बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी होगी। फिर है इंटरनल एनवायरनमेंट, अंदर का एनवायरनमेंट आपका प्योर है, ऑक्सीजन इनटेक अपटेक सारा मूवमेंट ट्रांसपोर्ट सब अच्छे से हो रहा है, तो आपकी जो बॉडी है वो ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी शो करेगी। तो इस तरह जो हमने फैक्टर्स देखे हैं हमारी एंड्यूरेंस को और फ्लेक्सिबिलिटी को डिटरमाइन करने वाले कुछ फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स थे। इससे पहले हम देख चुके हैं दो तरह के फैक्टर्स जो कि डिटरमाइन कर रहे थे स्पीड को और हमारी स्ट्रेंथ को। तो चार तरह के फिजियोलॉजिकल फैक्टर हैं, स्ट्रेंथ डिटरमाइन करने वाले, स्पीड डिटरमाइन करने वाले, एंड्यूरेंस डिटरमाइन करने वाले और फ्लेक्सिबिलिटी डिटरमाइन करने वाले। वो फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हमारी बॉडी में से ही हम देखते हैं कि कौन सा फैक्टर किसे डिटरमाइन करता है। आई होप ये चीज़ आपकी क्लियर हुई होगी। अब उसके बाद जो हमारा फिजियोलॉजी वाला चैप्टर है उसमें हम इफ़ेक्ट देखेंगे एक्सरसाइज के हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर, ओके। तब तक आप इसे नोट डाउन करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।